मसाला पैक करने की ये जो ऑटोमेटिक मशीन है, इसी एक मशीन का यूज करके आप सभी आइटम्स को पैक कर सकते हैं, फिर वो चाहे पाउडर हो या ग्रैनुल्स। इसमें आप पीसे हुए मसाला, खड़े मसाला, हल्दी पाउडर, खड़ी हल्दी, धनिया, जीरा, चिप्स, नमकीन, इसके अलावा जितने भी पाउच में पैकिंग होती है, उन सभी पाउच को आप इसी एक मशीन में तैयार कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज मशीन है जो सिर्फ एक घंटे में, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1800 पाउच बनाकर तैयार कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 1800 पाउच। शायद आपको लग रहा होगा इतनी एडवांस मशीन है तो इसका प्राइस भी बहुत होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका प्राइस बहुत ही कम है। आगे हम आपको बताते हैं आखिर मशीन कितने की है। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज की ऑटोमेटिक मशीन है। इसका आप साइज देख सकते हैं, बहुत बड़े साइज की नहीं है। इसको चलाने के लिए आपको किसी कमर्शियल कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने घर के कनेक्शन 220 वोल्ट से ही चलने वाली सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चला सकते हैं। ये जो आप सामने मशीन देख रहे हैं, ये हमारा 100 ग्राम का मॉडल है। 100 ग्राम के मॉडल का मतलब ये है, इसमें आप 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक के पाउच, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, मिक्स गरम मसाले, खड़े गरम मसाले और नमकीन वगैरह पैक कर सकते हैं। इसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है, तो लाइफ टाइम तक आपको मशीन के बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दो तरीके से पाउच तैयार होते हैं, एक तो लड़ियों में और दूसरा सिंगल सिंगल पीस में। यदि आपकी रिक्वायरमेंट लड़ियों में है तो आप लड़ियों में पाउच तैयार कर सकते हैं, और यदि आप सिंगल सिंगल पीस में पाउच निकालना चाहते हैं तो वो भी इसी एक मशीन में तैयार कर पाएंगे। इसे चेंज करने के लिए आपको दो सीलर दिए जाते हैं। ये 1 मिनट की प्रोसेस है, आपको बहुत समय नहीं लगेगा। आप आसानी से सीलर चेंज करके जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग इसमें पाउच बना सकते हैं। यहाँ पर लड़ियों में हल्दी पाउडर पैक हो रहा है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, कितने अच्छे क्वालिटी में ये पाउच बनकर निकल रहे हैं। ये देखिए, इस मशीन की एक खासियत है, यदि आपको 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक की पैकिंग करनी है तो आपको किसी भी तरह के कप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वेट चेंज करने के लिए आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मशीन में आपको एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल दिया जाता है। जितना आप इसमें इनपुट कर देंगे, जितना आप पैनल में लिख देंगे, जैसे कि आपको 10 ग्राम का पाउच चाहिए, 20 ग्राम का चाहिए, 50 ग्राम का चाहिए, 100 ग्राम का चाहिए, जितने ग्राम का आपको चाहिए, जब आप इसमें इनपुट कर देंगे तो मशीन ऑटोमेटिक वेट करेगी, आपके रोल में गिराएगी और पैक करके कुछ इस तरीके से पाउच निकाल देगी। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से पाउच तैयार हो रहे हैं। इसमें हम हल्दी, धनिया, मिर्च, जितना भी पाउडर फॉर्म होता है, जितने भी ग्रैनुल्स होते हैं, खड़े आइटम होते हैं, उन सभी को आप इसमें 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक के पाउच तैयार कर सकते हैं। और पैकिंग किस तरीके से हो रही है आपके सामने देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि मशीन चलाने के लिए आपको किसी ऑपरेटर को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है तो आप इजीली मशीन ऑपरेट करके हजारों पाउच तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ज्यादा एक्सपीरियंस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मशीन में यहाँ पर PLC कंट्रोल पैनल दिया गया है। इसमें आप जितना वेट सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही मशीन पैक करेगी, और पैकिंग करने पे आपको जो एक्यूरेसी मिलने वाली है वो 100% मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने 50 ग्राम सिलेक्ट किया था और मशीन 60 ग्राम में पैक कर रही है। ये मशीन प्रॉपर वेट करने के बाद ही पैक करती है। यहाँ पर आप मशीन की वर्किंग देख सकते हैं। आप जिसका पाउच बनाना चाहें उस हिसाब से प्रिंट करवा लीजिएगा और इस रोल को यहाँ ऊपर लगा देना है। पीछे आप देखिए एक हॉपर दिया गया है, जो भी आप पैक करना चाहते हैं वो इस हॉपर में डाल दीजिए। अभी ये रोल धीरे धीरे नीचे बढ़ता है और ये रोल होकर एकदम पैकेट के फॉर्म में आ जाता है। मशीन प्रॉपर वेट करने के बाद जो मटेरियल आपने हॉपर में डाला होगा उसे फिल कर देती है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर सीलर लगा हुआ है जो लगातार पैकेट सील कर रहा है, और सील होने के बाद 10 ग्राम का हमारा ये मसाला पाउच लगातार बनकर निकल रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बंदा वर्क नहीं कर रहा है। बस आपको एक बार हॉपर में फिल करने के बाद वेट वगैरह सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आप चाहें तो अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। मशीन ऑटोमेटिक पैक करते हुए निकालती जाएगी। जब हम मसाला, चिप्स या पाउडर की पैकिंग करते हैं तो उसकी MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते। अलग से प्रिंट करना काफ़ी मेहनत भरा काम हो जाता है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, क्रिएचर इंडस्ट्री के द्वारा बैच कोडर इसी मशीन में फिट करके दिया जाता है, तो आपको अलग से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिए बैच कोडर इंस्टॉल किया गया है। जिस तरीके से रोल आगे बढ़ रहा है, इन सभी पैकेट में MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह लगातार प्रिंट होती जा रही हैं। ये देखिए, इससे जो भी पैकेट तैयार होंगे वो फुली रेडीमेड होंगे। अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसे डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। सबसे मेन फ़ायदा तो यही है। क्रिएचर इंडस्ट्री में आपको 4 मॉडल की मशीन्स मिल जाएंगी। पहले मॉडल का यूज़ करके आप 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के पैकेट तैयार कर सकते हैं। दूसरे मॉडल के यूज़ करके आप 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक के पैकेट, और तीसरे मॉडल के यूज़ करके आप 10 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक के पैकेट तैयार कर सकते हैं।
ये मशीन स्पेशली बड़े पैकेट जो हम 500 ग्राम के पैकेट बनाते हैं, 1 किलोग्राम के पैकेट बनाते हैं, उसे आप इस मशीन का यूज़ करके बना सकते हैं। और जो चौथा मॉडल है न्यूमेटिक पैकिंग मशीन, उसका यूज करके आप 10 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक के पैकेट बना सकते हैं। इस मशीन की खासियत ये है, इसमें कंप्रेसर एयर का ऑप्शन दिया जाता है। जो भी हम कुक्ड आइटम, फ्राइड आइटम पैक करते हैं, जैसे कि चिप्स, नमकीन वगैरह, इनकी पैकिंग करने के लिए नाइट्रोजन गैस का भी डालना ज़रूरी होता है, जिससे कि क्वालिटी लंबे समय तक मेंटेन रहे, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएंगे। तो न्यूमेटिक पैकिंग मशीन का यूज़ करके आप ये सभी आइटम्स पैक कर सकते हैं। यदि इसका प्रोडक्शन देखा जाए कि मशीन 1 मिनट में कितने पाउच तैयार कर सकती है, तो देखिए इसका प्रोडक्शन पाउच के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साइज में पाउच तैयार कर रहे हैं। यदि आप छोटे साइज में पाउच तैयार करेंगे तो आप अधिक पाउच बना सकते हैं, और जब आप बड़े साइज के पाउच तैयार करेंगे तो वहां पर इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। जब आप छोटे साइज के पाउच तैयार करते हैं तो ये मशीन सिर्फ 1 मिनट में 25 से 30 पाउच बनाकर तैयार कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 25 से 30 पाउच, जो लगभग 1 घंटे में 1800 पाउच हो रहा है। वहीं पर जब आप बड़े साइज के पाउच तैयार करते हैं तो ये मशीन लगभग 1 मिनट में 15 से 20 पाउच बनाकर तैयार कर देती है, जो सिर्फ 1 घंटे में 1200 पाउच हो रहा है। देखिए 1 घंटे में 1200 पाउच तैयार करना कोई एक छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। ये तो हो गया मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वालिटी, फीचर्स। अब मेन चीज आती है कि सर इसका प्राइस कितना है। तो देखिए क्रिएचर इंडस्ट्री में इस मशीन की स्टार्टिंग प्राइस 75,000 रुपये है। जी हाँ, ध्यान रखिए 75,000 रुपये। अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। जैसे जैसे इसका फीचर और क्वालिटी बढ़ता है तो इनके प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा यदि आप बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी का एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। कंपनी लखनऊ में बेस्ड है, आप चाहे तो कंपनी में आकर मशीन का बिल्कुल लाइव डेमो लीजिए, और जब आप प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाएं तब जाकर आप मशीन लीजिए। और आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि न्यूटेक इंडिया सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको डोमेस्टिक मशीन्स और कमर्शियल मशीन्स, हर तरह की छोटी बड़ी मशीन्स मिल जाएंगी। यदि नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस को देखिए। जी हाँ, बिल्कुल पुराने वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने ऐसी ऐसी मशीन्स को कवर किया है जो आपके मेहनत भरे काम को, जी हाँ बिल्कुल आपके मेहनत भरे काम को बस चुटकियों में कर देती हैं। तो एक बार जाइए और देखिए। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार स्वीट मेकिंग मशीन वीडियो में, जो बिल्कुल एकदम रस्सेदार मिठाई तैयार कर देती है।